आपने वो तस्वीरें तो देखी होंगी जब देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद कैप्टन अंशुमन की पत्नी राष्ट्रपति से कीर्ति चक ले रही थी। इस पल ने पूरे देश को इमोशनल कर दिया था। लेकिन देश के इस वीर सपूत शहीद अंशुमन और उनकी पत्नी से जुड़ी ऐसी खबर भी हमें आपको बतानी पड़ेगी, ये हमने कभी इमेजिन नहीं किया था। लेकिन क्या करें, पत्रकारिता का धर्म निभाना। नमस्कार, मैं शगुन त्यागी हूं और न्यूज़ स्कूप देख रहे हैं आप। इस देश के लिए बलिदान होकर कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी आजकल फिर दोबारा से सुर्खियों में है। लेकिन पहले अवार्ड लेकर चर्चा में आई थी और अब गंभीर आरोप लगने से। वैसे राष्ट्रपति से बलिदानी पति के लिए कीर्ति चक्र अवार्ड लेने के बाद स्मृति ने अंशुमन के साथ अपनी लव स्टोरी इस पूरे देश को सुनाई थी। इस दौरान वो काफी इमोशनल भी हुई थी। लेकिन अब स्मृति ने अपने सास ससुर को छोड़ दिया है, क्योंकि शहीद कैप्टन अंशुमन के माता पिता का कहना है कि स्मृति उनके शहीद बेटे को मिला कीर्ति चक्र, मुआवजे की और बीमा की रकम और साथ ही बेटे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने मायके चली गई है। कैप्टन अंशुमन के पिता रवि प्रताप सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी बहू स्मृति ससुराल को छोड़कर मायके चली गई है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया है, इस बारे में वो कुछ नहीं जानते। उनका कहना है कि स्मृति ने इस बारे में ना तो उनसे पूछा और ना ही कोई सलाह लेना जरूरी समझा। अंशुमन का अंतिम संस्कार होने के बाद ही स्मृति मायके चली गई और आज तक वो लौट कर नहीं आई। बुलाने पर कह देती है कि उसे अभी और समय चाहिए, क्योंकि वो अंशुमन के जाने का गम नहीं भुला पाई है। वैसे अपना बेटा देश के लिए न्यौछावर करने वाले माता पिता कहते हैं कि अपने मायके जाने के बाद उसने स्कूल में भी पढ़ाना शुरू कर दिया है और वो सास ससुर से ज्यादा अपने माता पिता की सुनती है। खैर, मेरा ये मानना है कि अपने माँ बाप की सुनने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस हालात में अपने सास ससुर के प्रति भी बहू की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। शहीद कैप्टन अंशुमन के माता पिता आगे कहते हैं कि स्मृति ने एक बार भी सास ससुर के विषय में नहीं सोचा, उन्होंने अपना बेटा खो दिया। उनके पास उसकी ऐसी कोई निशानी भी नहीं है और अब बहू भी छोड़कर चली गई। कैप्टन अंशुमन के पिता रवि कहते हैं कि स्मृति सास ससुर के साथ सिर्फ 5 महीने रही और अंशुमन के शहीद होते ही वो चली गई। उसके बाद आज तक उनकी उससे बात नहीं हो पाई है। ये लोग जब भी उसे फोन करते हैं वो हमेशा फोन काट देती या फोन उसके माता पिता उठाते हैं और हमेशा माता पिता ही फोन पर बात करते हैं। 26 जनवरी 2024 को जब अंशुमन को कीर्ति चक्र देने की घोषणा हुई तब स्मृति को उन्होंने फोन किया था और उससे बात भी हुई। उन्होंने अंशुमन की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा रखी थी और पूजा में आने के लिए उसको कहा था, लेकिन वो नहीं आई। आपको ये भी जानना चाहिए कि अंशुमन के बलिदान होने के बाद जो रकम सरकार से मिली थी, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 लाख देने की घोषणा की थी, आर्मी से इंश्योरेंस का पैसा मिला था, पुरस्कार राशि मिली थी, स्मृति पर आरोप है कि वो सब कुछ अपने साथ लेकर चली गई। इतना ही नहीं, अभी अंशुमन को पेंशन भी मिलेगी और कीर्ति चक्र की पेंशन अलग से मिलेगी। लेकिन सब कुछ स्मृति के पास है और शहीद कैप्टन के माता पिता से सब कुछ छीन लिया गया है। वैसे रक्षा मंत्रालय को इस पर विचार करने की आवश्यकता है और शायद कुछ नियमों में कुछ शर्तें और जोड़ने की आवश्यकता, क्योंकि जिन माँ बाप ने देश के लिए अपना बेटा दे दिया हो उनसे इस तरह सब कुछ नहीं छीना जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहें।